الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على ابراهيم. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري वाह तम मिल्सानी यफ़ाह कौली रबा अल्लाहनाफ्दीन आमीन क्या हाल हैं आप सब के दुआल्ला तब सब को अपनी हिफ्स बार में रखे सेहत और आफियत राफ़ियत अताफ़रमाए तदबीकुल क़ुरान के सफ़र में इस्तकामत तकामत अताफ़रमाए फ़न सर्फ़ का सीखना आसान फरवा दे सबर हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरवा ले हमारे लिए बफरत का ज़रिया और बैस अजर बना दे इस दौरान की गई कभी कोतियों को दरगुजर फरवा दे और हमारी इस्लामी फरवा दे आमीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सबारा की तोफ़ी से हम के के इजरा के लिए फात से क़ुरान का आगाज कर रहे हैं अरबी जुबान सीखने के लिए और सूरत का सही फहम हासिल करने के लिए सर्फ़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है में हम अल्फाज की बरावट और उनका जो आपस में बहम ताल्लुक होता है उसे जानते हैं चले उर्दू में समझ लेते हैं जैसे कि एक लफ्स है खेलना इससे बहुत सारे अल्फाज बनते हैं खेल खिलाड़ी खिलंडरा खेलो खेलेगा खेलता है खेल रहा है ये सब अल्फाज बनते हैं इल्म में भी हम यही सीखेंगे कि एक लफ्ज़ से बहुत सारे अल्फाज कैसे बनते हैं वो असूल क़़ायद और जवाब सीखेंगे जिनके ज़रिए से एक कलीमा से दूसरा कलीमा बनता है और जब एक कलीमा से दूसरा कलीमा बन रहा होता है तो उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होती हैं और तब्दीलियाँ का जो तरीका है वो हम सीखेंगे सर्फ अरबी जुबान का लफ्स है जिसके लघवी पानी होते हैं किसी चीज़ को फेरना जैसा कि कुरान में है वह तशरीफ रिया अल्लाह हवाओं को फेरने वाला है यानी किसी चीज़ को बदलना ये वो इल्म होता है जिसमें अल्फाज की मुख्तलिफ़ हालतों और सूरतों का मुतालिया किया जाता है एक ही रूटवर्ड्स एक ही रूट वर्ड यानी मादे से मुख्तलिफ़ान के बीसों सीगे जो है वो किए जाते हैं मसलन वाहिद, तस्निया जमा मुज़क़्कर, मुनस मुखातिब गायब मतक्म इसम फाइल इसम मफ़ूल, इसम आला इसम ज़र्फ, और इसम तफदील वगैरह के सीघे बनते हैं और ये तब्दीलियाँ हम इम सर्फ में सीखेंगे कुरान के अल्फाज की तश्कील यानी बनावट अकसाम कायद और उनमें होने वाली मुख्तलिफ़ तब्दीलियों को देखेंगे यानी कुरान को समझने के लिए एप्लीकेशंस और प्रंसिपल्स जानेंगे इनशा ताला। आप सब भी कुरान की एक नोटबुक बना लीजिए कुछ लिखने से रह जाए तो वीडियो देख लीजिएगा नोट्स मुकबल कीजिएगा याद दहानी के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और आगे पढ़ाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अपनी यादाश्त से तो पढ़ाना मुश्किल है ना इंसान भूल भी जाता है गलती भी हो सकती है हर महीने जो अच्छा काम करेगा नोटबुक भी मेंटेन करेगा होमवर्क भी इसका देखा जाएगा तो इन ग्रामर की बुक्स जो हैं वो हदिया किया करेंगे कुरान के हर लफ्ज की वजाहत पहली बार की जाएगी दोबारा आने पर अगर कुछ उसमें कुछ नया बताना पड़ा तो ज़रूर बताएंगे वरना उसे दोबारा दोहराया नहीं जाएगा दुआ है लसवन्ना तला आप सबको तदबीकुल क़ुरान समझने और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए आमीन अल्लाह तआला हमारी इस काम में मदद फ़रमाए ये काम एक टीम वर्क में होगा जो हमारे ग्रैबर के साथी हैं हेल्पर्स हैं वो इंशाल्लाह स्टूडेंट से ना सिर्फ आयात के अल्फाज की तदबीक सुनेंगे बल्कि उन्हें समझाएंगे कुछ समझ ना आई तो इनशा हमसे पूछ कर आपको समझाएंगे अल्लाह हम सब के लिए आसानी फरमाए आमीन अल्ला आमीन अल्लाह साल की तोफ़ीक से हम सुरतलफातहा से आगाज़ कर रहे हैं तदबीकुल कुरान का इम सर्फ का आइए पहले सुरतल्फात की تلاوة ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال. आज हम फातिहा की पहली पांच आयत की तदबीक करेंगे आपके पास जो पेज डिस्प्ले हो रहा है उस पर सबसे ऊपर है कलीमा क़लीमा हमारे कुरान के अल्फाज होंगे फिर उसके बाद तर्जुमा है उर्दू में तर्जुमा बताया जाएगा सीगा सीगा कलीमा को कहते हैं जिसका मखसूस वज़न होता है जैसे कि दौरा यदरीबू या, या अदत के अतबार से जो तकसीम आपने पढ़ी होगी वो भी इसमें आती है वाहिद मुजक्कर वाहिद मोनस जबा मुजक्कर ये सब बताया जाएगा सीगा के बाद है सह अकसाम फारसी में सह तीन को कहते हैं और इसमें क्या आएगा इसमें क़लिमा की तीन अकसाम आएंगी इसम फेल हर्फ यानी बताया जाएगा कि कुरान का जो क़लिमा है जैसे हमने सबसे पहले यहां पे लिया है अल्लाह वो इसम है फेल है या हर्फ है ये बताया जाएगा फिर उसके बाद है शश अकसाम शश कहते हैं फारसी में छ को शश अकसाम में छः अकसाम होंगी जैसे कि सलासी उजारत नंबर एक नंबर दो सलासी मजीद नंबर तीन रुबाई मुजरत नंबर चार रुबाई मजीद नंबर पाँच खमासी मुजरत और नंबर छः खमासी मजीद उसके बाद है हफ्त अकसाम फारसी में हफ्त सात को कहते हैं यहाँ फेल की सात अकसाम हरूफ इल्लत और सही के अतबार से बताई जाएंगी इन सात में से चार जो हैं वो फेलें मअल की हैं और तीन फ़ैल सही की हैं फेले मोतल की और फेले सही की मिलाकर मैं आपको बताती हूँ नंबर एक मिसाल नंबर दो अज़वफ नंबर तीन नाकिस नंबर चार लफीफ नंबर पाँच सालिम नंबर छः महमूस और नंबर सात मुजाफ फिर आपको नज़र आ रहा है बाप इसमें बताया जाएगा कि जो कलीमा हमने कुरान में से लिया है उसका ताल्लुक किस बाप से है जैसे फतह यफ्ता हूं तो बाप की इलामत भी साथ बता दी जाएगी फ और आखिर में वर्ड बताया जाएगा जिसे मादा भी कहते हैं आगाज करते हैं सबसे पहले है अल्लाह कलिमा है अल्लाह तर्जुमा है इसमें जलालत यानी अल्लाह का ज़ाती नाम है सीगा है ये वाहिद मुजक्कर सैक शाम में आएगा ये इसम जामिद है इसम जामिद क्या होता है साथ साथ जो जो भी टर्म्स आती जाएंगी उनकी वजाहत करती जाऊंगी ताकि हमारा इल्म पुख्ता होता जाए जितना दोहराएंगे उतना इंशाल्लाह पक्का होता जाएगा इसम जामिद ये जमू से निकला है मानी है जमा हुआ ठहरा हुआ ये खुद किसी कलिमा से नहीं बनता और ना ही इससे कोई कलिमा बनता है यानी जमा तो बना सकते हैं कोई इसम नहीं बनता शश अकसाम में अल्लाह सलासी मुजरत है सलासी बुजारत तीन हरफी इसम और फ़ेल को कहा जाता है यानी जिनका रूट वर्ड तीन हरूफ पर मुश्तमिल हो मसला जईद नसरा, समिया वगैरह हफ्त अकसाम में अल्लाह जो है वो फ़ा है यानी इसके रूट वर्ड का फ़ा कलिमा हमज़ा होता है अक्सर फ़ा कलिमा आयन कलीमा और लाम कलीमा लोगों को मिक्सअप हो जाता है तो हमारे उस्ताद ने एक हमें कहानी सुनाई थी जिसकी वजह से आज तक नहीं भूलता उन्होंने कहा मेरे एक शागिर्द की शादी हो गई थी बच्चे भी हो गए थे तो मुझे उसके घर जाने का इतफ़ाक़ हुआ उसका एक छोटा सा बच्चा आया मैंने पूछा इसका क्या नाम है उसने कहा फा मैं बहुत हैरान हुआ थोड़ी देर में एक और बच्चा आया वो उससे बड़ा था तीन बच्चे थे तो वो ज़रा दरमियाना बच्चा था वो उससे थोड़ा सा लंबा था मैंने पूछा इसका क्या नाम है उसने कहा इसका नाम है आइन यानी फा छोटा था आइन थोड़ा बड़ा था आप देखिए ना फा को जब लिखते हैं थोड़ा थोड़ा छोटा होता होता है है ऊंचाई में बड़ा होता है। वो कहने लगे फिर तीसरा बच्चा आया वो बहुत लंबा था मैंने पूछा इसका क्या नाम है उसने कहा इसका नाम है लाम लाम आप देखें फा से थोड़ा ऊंचा आइन होता है और आइन से और ऊंचा लंबा लाम होता है तो सबसे छोटा फिर दरम्यान वाला और फिर सबसे लंबा पहला फा फिर आइन फिर लाम मुझे उम्मीद है आइंदा आपको नहीं भूलेगा तो वर्ड का फा कलीमा यानी पहला वाला सबसे छोटा जो सबसे पहले आया था वो हमजा होता है अल्लाह का वाह बाप नहीं है और इसका रूट वर्ड यानी मादा है अलीफ, लाम और हा हमारा दूसरा कलीमा है फातिहातु सुरतुल्फ़ाति हथु अब क्योंकि हम ता को वक्फ करते हैं तो ये हा में तब्दील हो जाता है इसलिए हम कहते हैं सुरतुल्फ़ाति असल में क्या है फातिहातु इस कलिमा का मानी है खोलने वाली इसका सीगा है वाहिद मोनस से अकसाम उसमें ये इसम फाइल है इसम फाइल जो है वो इसम मुश्तक होता है जो किसी काम करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन फाइल का नाम नहीं होता मसलन नासिरुन मदद करने वाला नाम तो नहीं है ना और नासिरुन मस्तर नसरुन से फाइल उनके वजन पर है फाइल उन ही वजन है ना फ़ाति को हम शश अकसाम में देखते हैं शश अकसाम छः किस्म की अकसाम होती हैं पहले भी बात हुई इसमें सुलासी मुजरत आता है सुलासी मजीद आता है रुबाई मुजरत रुबाई मजीद खमासी मुजरत खमासी मजीद आते हैं तो फाति जो है ये सुलासी मुजरत है हफ्त अकसाम ये सही है यानी इसके रूटवर्ड में कोई भी हरफ इल्लत नहीं है बाब है फताहू और बाब का जो बाब की जो इलामत है वो है फा मादा यानि रूटवर्ड है फ़ाता हमारा तीसरा कलीमा है अलहमद तर्जुबा है सब तमाम तारीफें है मतर समाई बस्तर सबाई जो होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं गैर सीसी मुजरत मसादिर के औजान क्यासी होते हैं जबकि सलासी मुजरत के, के अक्सर ओजान समाई होते हैं इन अगली दफ़ा हम इस पर मज़ीद बात करेंगे अलहमद सै अकसाम में इसम है अल से शुरू हो रहा है इसम मारफा भी कहा जा सकता है और शख्स अकसाम में ये सुलासी मुजरद है हफ्त अकसाम में ये सही है रूट वर्ड में हरफ इल्लत नहीं है इसका बाब है या यमाऊ और बाब की अलामत है सीन रूट वर्ड है हामीम दाल हमारा अगला कलीमा है अर्रहान तर्जुमा है बहुत मेहरबान सीगा है वाहिद मुजक्कर यानि ये राहमत मस्तर से मुबाल का सीगा है यानी बहुत ज़्यादा मेहरबान सेक्साम में देखा जाए तो ये सिफत मुशबा मस्तर से निकलने वाले छः आसमाये मुश्ता में से एक है ये वो छः कौन से होते हैं नंबर एक इसम फाइल नंबर दो इसम अफूल नंबर तीन सिफत मुशब्बा यही जिसकी बात हो रही है नंबर चार इसम तफदील नंबर पाँच इसम आला और नंबर छह इसम जर्फ इसम फाइल पर हमारी बात हो गई है इसम मफूल जिस पर काम किया जाए जैसे मकतूल होता है और सिफत मुशबा मुबालगा इसमें होता है यानी बहुत ज्यादा वो काम जैसे बहुत ज्यादा मेहरबान यहाँ पे हमने कहा और इसम तफदील इसमें अगर दो सिफात हों तो उनका मुकाबला किया जाता है कंपैरिजन किया जाता है यानी एक सिफ्ट दूसरी से बढ़कर हो जैसे मिन बकरिन जैद ज्यादा बड़ा आलिम है बकर से तो ये इल्म का मुकाबला हो गया ना फिर इसम आला आगे आ रहा है तब बात करेंगे इसम जर्फ जगह या जमाने पर दलालत करता है अरमान को शश अकसाम में देखें तो ये सलासी मुजरत है हफ्त अकसाम में देखें तो ये सही है और बाब है समिया यस्माऊ बाप का बाप की जो लामत है वो है सीन रूट वर्ड है हमारा अगला कलीमा है अर्रहिम तर्जबा है रहमत वाला सीगा है वाहिद मुजक्कर रहमत मस्तर से ये मुबालगे का सीगा है यानी बहुत ज़्यादा रहमत वाला सेक्साम में ये है सिफत मुशब्बा शश अकसाम में सलासी मुजरद है हफ्त अकसाम में यह सही है और बाप है समिया यस्माऊ बाप कीमत है सीन वर्ड है हा मीम अगला कलीमा है रब्बी तर्जुमा है पालने वाला सीगा है वाद मुजक्कर सैखसाम में ये सिफत मुशब्बा है और ये मुज़ाफ़ है रब्बिल अलामीन मजाफ वो होता है जिसकी इजाफत या बल्कित किसी दूसरी चीज़ की तरफ हो रही होती है शाम में रहीम जो है ये सलासी बजरत है और हफ्त अकसा में ये मुजाफ सलासी है मजाफ सलासी वो होता है जिसमें दो हरूफ़ एक जैसे होते हैं जैसे कि शद्दा खर्र मर्र मद्दा इसका बाप है नासरा सरु और बाप की अलामत है नून इसका मादा यानी रूट वर्ड है बा बाबा हमारा अगला कलीमा है अल आलमीन तर्जुमा है सहारे जहान का सारे जहान का और सीवा है जबा मुजक्कर सालिम ये वो होता है जो किसी फार्मूले के तहत बनता है यानी वाह से जमा किसी फार्मूले की वजह से बनता है जैसे आखिर में ऊना या ईना का इजाफ़ा किया जाता है आला से आला मीना बन गया इना लगाया आखिर में सै में देखा जाए तो ये इसम आला है इसम मुश्तक से है ये यानी मास्टर से बनने वाले जो छः आजमाय मुशत हैं उनमें से है काम करने का जो आला होता है औज़ार लें उसके लिए इस्तेमाल होता है इसके औजान होते हैं जैसे मिफालुन मिफालुन और मिफालतुन मिफालुन के वज़न पर मिफ्ताहुन होगा जो चाबी को कहा जाता है इसी तरह से मिफालुन के वज़न पर मिदफाउन होगा तोप को कहा जाता है और मिफालतुन के वजन पर मिक नसातुन है झाड़ू को कहा जाता है शश अकसाम में ये सुलासी मुजरत है और हफ्त अकसाम में ये सही है बाब है समिया यस्माऊ बाप कीमत है सीन और मादा है रूटवर्ड है आइन लाम मीन कलीमा है मालिकी तर्जुबा है मालिक बादशाह है वाहीद मुजक्र शैख साम में ये है इसम फाइल और शशक साम में है सलासी मुजरद हफ्त अकसाम में ये सही है बाप है दौरा बा बाप की लामत है दौद और रूट वर्ड है मादा है मीम लाम काफ अगला कलीमा है नाबुदू। अबू तर्जबा है हम इबादत करते हैं सीवा है जबा पुतकलम का सेक साम में ये फेले मज़ारे बसपत मारूफ है आइए यहाँ पे बसपत और मारूफ़ को समझ लेते हैं देखिए फ़ेल मज़ारे तो आप सब को मालूम है वो फ़ेल है जो किसी काम का ज़मान हाल यानी प्रेजेंट या मुस्तबिल फ्यूचर में वाक़ होने का बताए जैसे यक तुबू, वो किताब लिखता है या लिखेगा बारूफ़ वो फ़ेल होता है जिसका फाइल मालूम हो और उसकी नस्बत अपने फ़ाइल की तरफ की जाए जैसे अल्लाह ने पैदा किया जबकि मजहूल वो फेल होता है जिसकी नस्बत मफूल बह की तरफ़ हो और उसके फ़ाइल का ज़िक्र ना हो जैसे खली होलिकल इंसानो इंसानों इंसान पैदा किया गया अच्छा फिर है यहाँ पे फेले मुजार मस्बत मस्बत क्या होता है फेले मस्बत वो फेल होता है जिसके शुरू में हरफ नफ़ी यानी मा या ला वग़ैरह ना आए जैसे नसरा उसने मदद की शुरू वो मदद करता है या मदद करेगा और यहाँ पे फेले नफ़ी का तो जिक्र नहीं है फ़ेले मनफ़ी कहले लेकिन फ़ेले मस्बत का जो अपोज़िट होता है उल्ट होता है वो फेले मनफी होता है यानी वो फ़ेल जिससे पहले हरफ नफ़ी हो जैसे माँ का तबा उसने नहीं लिखा ला यकतु वो नहीं लिखता नाबुदू को हम शश अकसाम में देखें तो ये सुलासी मजर्द है हफ्त अकसाम में देखें तो ये सही है बाब है नसरा यांसरु या की इलामत है नून और मादा है आइन बा दाल नाबु का फेलेबाजी है आबदा मुजार है ये लिहाजा आबाद या से मस्तर है इबादत उन इबादत करना हमारा अगला कलीमा है नस्ताइन हम मदद चाहते हैं ये इसका तर्जमा है ये जबा मुतकल्लम है सीगा इसका जमा मुतकल्लम है शेख साम में ये फेले मुजारे मस्बत मारूफ है जैसे इस्तान यस्ताइनु से मस्तर है इस्तियानतुन मदद मांगना शाम में ये सुलासी मज़ीद फ़ी है सुलासी मजीद फ़ी ही इसके बारह अबवाब हैं सलासी मुजरत के बाज़ी के सी में शुरू या दरमियान में एक दो या तीन हरूफ़ बढ़ाने से सलासी मज़ीद फी ही बन जाता है मसलन अफाला के वज़न पर जो करुमा है वो बन जाएगा अक्रामा अब देखें आइन आइंदाम एक इजाफ़ा है ना शुरू में हमजा भी आ रहा है अलिफ के ऊपर ज़बर है अफ तो करुमा क्या बन गया अफ के वज़न पर अक रामा अफ अक्रमा एक ही वजन है ना अक उसने इज़्ज़त दी इसी तरह से सुलासी मजीद फ़ी ही का एक वजन है फ़ आला आइन पर तश्दीद भी है ज़बर भी है फ़ आ पहले फ़ा ज़बर आइन करें फ़ा फिर आइन ज़बर आ फ़ा ठीक है इससे बनेगा इसके वज़न पर शरफ़ा रॉ पे तशदीद है शरफ़ा इसी तरह से सलासी मज़ीद फ़ी ही का एक वज़न है फ़ला तो इस पर इसके वज़न पर बनेगा का तला कल यहाँ देखें फ़ा कलीम आयिन कलीमा लाम कलीमा फ़ा कलीम के बाद अलिफ़ का इजाफ़ा है यही हमने कहा था ना कि सलासी मज़ीद फ़ी ही कैसे बनता है जब सलासी मजर्द के बाज़ी के सीगे में या तो शुरू में या दरमियन में एक दो या तीन हरूफ़ बढ़ा दिए जाए हफ्त हाँ अकसाम में देखा जाए तो नस्ताइन जो है वो अजवफ वावी है अजवफ वावी क्या होता है वो कलीमा है जिसके ऐन कलीमे में जो आन कलीमा है उसमें इल्लत होती है इसे एन भी कहते हैं अगर हरफ वाव में हो तो वो अजवा वावी कहलाता है मसलन मसला इंशाल्लाह अगली दफ़ा मिसाल और अजवफ के जो क़ायद हैं उस पर भी एक नज़र डाल लेंगे ये बहुत ज़रूरी है नस्ताइनु का बाब है इस्तिफालुन इस्तिफाल और मादा है आइन वाव नोन, हमने देखा था नस्ताइन का जो सीगा है वो जमा मतक्लम था लिहाजा अगर ये बाब इस्तीफ़ाल से है तो इस्तिफाल का जबा मतकलम का सीगा होता है नस्तफ़ इसके वज़न पर नस्ताइनु बनेगा नस्तावीनों देखे वहाँ पे है नस्तफ है नस्ता ठीक है ता के बाद फा पे जजम है ना यहां भी ता के बाद आइन पर जजम है वहां था नस्तफ़ यहां है नस्ता वहां है ज़ेर ई लाम पेशलू इलू यहां भी है नस्ता विनु नीचे ज़ेर है और नून पेशनु ठीक है सेम वजन हो गए ना नस्तफ इलू नस्ता अब अजवफ़ के कायदा नंबर दो के मुताबिक अगली दफ़ा इस पर वज़ाह से बात करेंगे उसके मुताबिक ये होता है कि वाओ मुतहरिक मा कबल हर्फ सही साकिन हो यानी वाओ तो हरकत वाला हो मुतहरिक हो लेकिन उससे पहले वाला हर्फ जो है वो सही भी हो और साकीिन हो कोई हरकत ना हो तो वाओ का कसरा माँ कबल हर्फ एन को दे दिया जाता है यानी वाओ की जेर एन को दे दी जाएगी तो फिर क्या बनेगा फिर यह बन जाएगा नस्ताइवनु, वाओ की कसरा आइन को दे दी गई और आयन का जो जजम है वो वाओ को दे दिया गया तो यह बन गया नस्ताइवना, नस्ताइवनु, अब वाओ साकिन गैर गैरमशद माकबल मसकूर या से तब्दील होगा तो ये नस्ताइनु बन जाएगा यहाँ यही बताया गया है कि नस्ताइवनु जो है वो वाह या में क्यों तब्दील होगा क्योंकि जेर है ना उससे पहले तो या मद्दा में क्या होता है या साकिन से पहले जेर होती है तो कसरा की वजह से यहाँ पे अभी वाओ साकिन या साकिन में बदल जाएगा तो ये बन जाएगा नया रखियेगा सुबह नमदी का न श्लांता न तो वामक वरहमतल वरकत